अब हम देख लेते हैं hanging और strangulation में तो ligature mark, जो हैंगिंग है इसमें ओवलीक होता है इनकम्प्लीट होता है और सुपरा थायरॉयड होता है जबकि स्ट्रेंगुलेशन में यह ट्रांसवर्स होता है कंप्लीट होता है और बिलो थायरॉयड होता है एज की बात की जाए तो यह यंग और एल्डरली एडल्ट्स में पाया जाता है जबकि ये कोई एज लिमिट नहीं होती स्ट्रांगुलेशन की फेस की बात की जाए तो अपन ने देखा है ज्यादा मोर मार्क फीचर हमें किस में मिलेंगे स्ट्रांगुलेशन में एस्फेक्सिया के तो यूजुअली पेल और पटेकी लेस यहां पर कंजेस्टेड होगा फेस और पटेकियल हिमोरेज मोर मिलेगी साइन ऑफ एस्फेक्सिया यहां लेस मार्क है यहां बेल मार्क है टंग जो होगी लेस मार्क टंग का प्रोट्रूसन लेस मार्क और मोर मार्क स्ट्रांगुलेशन में ब्लीडिंग फॉम फ्रॉम नोस माउथ ईयर यहां पर स्ट्रांगुलेशन में मोर मार्क नेक की बात की जाए तो इसमें स्ट्रेज और एलोंगेटेड नेक मिलता है क्योंकि बॉडी वेट सस्पेंडेड होता है जबकि इसमें ऐसा नहीं मिलता आगे बात की जाए इनवोलेंट्री डिस्चार्ज जैसे फीसेस और यूरिन इसमें लेस कॉमन है इसमें इनवोलेंट्री डिस्चार्ज मोर कॉमन है बेसिक फीसेस और यूरिन का जो डिस्चार्ज है वह मोर कॉमन स्ट्रांगुलेशन में है लेकिन जो इनवोलेंट्री डिस्चार्ज ऑफ सेमाइनल फ्लूड मेन में यह मोर कॉमन हैंगिंग में है जबकि स्ट्रांगुलेशन में लेस कॉमन है ब्रूजिंग ऑफ नेक मसल अगर ब्रूज की बात की जाए कंट्यूजन की बात की जाए तो हैंगिंग में लेस कॉमन मोर कॉमन स्ट्रांगसन में सुसाइडल नोट ये हैंगिंग केस में हमें सुसाइडल नोट प्रजेंट होगा मिल सकता है सुसाइडल नोट जबकि स्ट्रांगुलेशन में प्रजेंट नहीं होता साइन ऑफ स्ट्रगल हमें कहाँ मिलेगा साइन ऑफ स्ट्रगल हमें मिलेगा ऑलवेज स्ट्रांगुलेशन में प्रजेंट होगा जबकि हैंगिंग में अप्सेंट होगा प्लेस ऑफ अफ्रेंस कहां होता है जनरली अगर हैंगिंग की बात की जाए तो वह अपने बेडरूम में होती है और जो डोर होंगे विंडो होगी वह जनरली बंद होती है जबकि स्ट्रेंगुलेशन में यह कहीं भी हो सकता है जरूरी नहीं रूम में हो और यहां पर जरूरी नहीं कि जो डोर और विंडो हो वह क्लोज हो यूजली तो हैंगिंग जो होती है वह मेल में ज्यादा कॉमन होती है और स्ट्रेंगुलेशन फीमेल में ज्यादा कॉमन होता है तो हमने कंप्लीट करा Difference between hanging and strangulation. Thank you.